Hello, everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I am back with another video. So, today we are going to have the revision series of uh, SYBCOM Semester 4. The subject is Accountancy and Financial Management, and this is the part 1 for the 2022 exam. And we are going to discuss some of the MCQs which can help you to clear all your concepts from the topic. And uh, this MCQs will be न्यूमेरिकल बेस एज वेल एज नॉर्मल टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ विच कैन बी एक्सपेक्टेड तो इस एम से आपका ओवरऑल एक हर चैप्टर का रिविज़न हो जाएगा ऐसा नहीं है कि आपको इसी एम uh, के ऊपर रिलाय रहना है लेकिन ये एम से हम ये ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली exactly आपके सारे एम uh, जो आपके एग्जाम में पेपर में पूछे जा सकते हैं उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए तो दिस सीरीज़ विल बी हेल्पफुल फॉर एस वाई बी कॉम सेमिस्टर फोर स्टूडेंट्स आईडॉल के स्टूडेंट्स हो नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट्स हो और बैफ के अगर स्टूडेंट्स हो तो वो भी आपको हेल्प करेंगे ये सारे टाइप के एम तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकिन शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए अभी तक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहाँ से ज्वाइन कर ले ताकि जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं जो पी होते हैं वो वह वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते रहता हूँ और आपको लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ the balance of sinking fund account is transferred to dash the options are प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो देखो सिंकिंग फंड काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंकिंग फंड ये हमारा रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स का जो टॉपिक है वहां पे हम एक मेथड यूज करते हैं सिंकिंग फंड को जिसमें हम कुछ प्रॉफिट को सेटिसाइड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आफ्टर सम ईयर्स हम उसी इन्वेस्टमेंट्स में से रिडम्शन पर्पसेस के लिए वो पैसे को यूज करते हैं तो जो आपका सिंकिंग फंड अकाउंट होता है उसका बैलेंस जो होता है वो ट्रांसफर करते हैं तो ध्यान से आपको याद रखना है है सिंकिंग फंड का जो भी बैलेंस वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो राइट आंसर फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन इज जनरल रिजर्व तो वी आर ट्रांसफरिंग सिंकिंग फंड का बैलेंस पे जनरल रिजर्व में और दूसरी एक चीज बताता हूं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम लास्ट में उस इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर देते हैं वी आर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट्स और जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं उसमें एक तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो ये जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है तो याद रखना है आपको दैट प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट तो रिमेंबर स्टूडेंट गेट्स कन्फ्यूज बाई दिस पॉइंट प्रॉफिट या लॉस ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू तो इट इज नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस इट इज ट्रांसफर टू सिंकिंग था जनरल रिजर्व तो में ट्रांसफर किया जाएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं को हम अनपेड डिविडेंड भी कह सकते हैं तो जो भी आपका अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड होगा बैलेंस शीट का क्वेश्चन है इज शोन अंडर दी हेड डैश इन द बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट में ये कौन से हेड में शो किया जाएगा हमें पता है 2013 में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे वी आर प्रिपेयरिंग वर्टिकल बैलेंस शीट तो वर्टिकल बैलेंस शीट में देर आर सेपरेट हेड्स कौन से कौन से हेड्स के अंदर कौन से कौन से पॉइंट्स लिखने हैं वो आपको पता होना चाहिए तो अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है मतलब ऐसा डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स ने अब तक क्लेम नहीं किया है ऑप्शन है हमारे पास करंट असेट्स रिजर्व एंड सरप्लस करंट लाइबिलिटीज या अदर करंट असेट्स तो अनक्लेम्ड डिविडेंड हमारे लिए असेट्स तो हो नहीं सकता हमारे लिए वो लाइबिलिटी है इसलिए राइट right आंसर इसका बनेगा करंट लाइबिलिटीज तो करंट लाइबिलिटी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो आई होप की दिस टू क्वेश्चन आर क्लियर टू तो एवरी जो भी आपको कंफ्यूजन लगते हैं जो भी आपको कंसेप्ट लगते हैं कि आपको लास्ट मिनट में रिवाइज करने चाहिए तो वो सारे आप अपने बुक्स में नोट डाउन करके रखें ताकि जो भी एमसीक्यूज होंगे एमसीक्यूज बेसिकली कंसेप्चुअल पार्ट्स पे पूछे जाते तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा और ये चैनल भी मैंने उसी इंटेंशन से बनाया था कि लोगों को लास्ट मिनट में रिविजन करने के लिए कंसेप्ट इस चैनल पर आपको मिलते रहे लेट मूव द थर्ड क्वेश्चन ऑफ़ एमसीक्यू। स्वीट इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स तो मैं आपके यहाँ पे दो तीन कंसेप्ट क्लियर करता हूं ध्यान से दो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं स्वीट मतलब मीठा इक्विटी शेयर्स ऐसा नहीं है बट बेसिकली यहाँ पे स्वीट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो किसको इशू किए जाते हैं तो ऑलरेडी जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं एम्प्लॉयज के पास ही राइट्स होता है स्वीट इक्विटी शेयर्स लेने का इसलिए इसका राइट right आंसर क्या बनेगा हमारा इसका राइट right आंसर बनेगा हमारा एम्प्लॉयज तो एम्प्लॉयज आर एलिजिबल या एम्प्लॉयज विल बी इश्यूड स्वीट इक्विटी शेयर्स। देर इज अनदर पॉइंट ऑल्सो मैं आपको बता देता हूं एक होता है राइट शेयर्स ठीक है राइट इशू राइट इशू होता है और दूसरा हमारा कंसेप्ट होता है बोनस शेयर ध्यान से दोनों कंसेप्ट एक साथ तो यहां से आपके तीन चार एमसीक्यू क्लियर हो सकते हैं अगर हम राइट right इशू की बात करें तो राइट right इशू हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है किसको मिलता है जो भी उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही राइट right इशू मिलेगा एंड राइट इशू विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनी एज पर द रेशो अगर कंपनी ने बोला वन इज टू थ्री का राइट right इशू करेंगे तो कंपनी क्या करने वाला है वन शेयर के बदले में थ्री शेयर राइट इशू करेगा लेकिन राइट right इशू आपको फ्री में नहीं मिलेगा राइट right इशू के लिए क्या करना पड़ेगा हमें पेमेंट करना पड़ेगा इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट सिमिलरली द अदर टाइप ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज बोनस शेयर तो बोनस शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बोनस शेयर्स के लिए भी कंपनी क्या करता है रेशो डिसाइड करता है और हमेशा आपको याद रखना है बोनस जो होता है वो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है तो बोनस शेयर्स आर ऑलवेज इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इट इज़ नॉट इश्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो वी हैव कवर्ड ओवर हियर थ्री कंसेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर्स किसको मिलता है एम्प्लॉयज को राइट right शेयर्स किसको मिलता है हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और बोनस शेयर्स किसको मिलता है बोनस शेयर्स मिलता है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेकिन बोनस शेयर्स के बदले में कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो इसके लिए आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए अभी ध्यान से समझते हैं और अपने बुक्स में नोट डाउन भी करके रखें कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ एबीसी एक्वायर्ड द बीसीसी ऑन फर्स्ट अप्रैल Uh, 2022. The company द कंपनी on रजिस्टर्ड ऑन 2022. जुलाई books are close द बुक्स क्लोज ऑन every year. मार्च एवरी ईयर और हमें कैलकुलेट करना है टाइम रेशो कैलकुलेट करना है तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ प्रॉफिट ट्राई टू इनकॉर्पोरेशन पीपीआई का चैप्टर जिसमें बेस से हमारा टाइम रेशो और सेल्स रेशो बहुत ही सिंपल है देखो क्या करना है हमको सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या ये क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर का है या कैलेंडर ईयर का है वो कैसे पता चलेगा हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे दिया है 1st अगर फर्स्ट अप्रैल को शुरू होता है तो थर्टी फर्स्ट मार्च को एंड होना चाहिए अगर थर्टी फर्स्ट मार्च को एंड हो रहा है तो वो हमारा क्या हो गया फाइनेंशियल ईयर हो गया और अगर फर्स्ट जनवरी को शुरू होता है तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर को एंड होगा और उस केस में दैट विल बी अवर कैलेंडर ईयर लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज अ फाइनेंशियल ईयर अभी हमने देखा फर्स्ट अप्रैल को कंपनी एक्वायर कर रहा है देन हमें क्या देखना है देन हमें देखना है रजिस्ट्रेशन कौन से डेट को हुआ है कभी कभी आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा कभी कभी आपको एनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ रजिस्ट्रेशन तो रजिस्टर्ड कह, कहे या इनकॉर्पोरेशन कहे दोनों का मतलब सेम है तो क्या है हमको दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है एक है हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन और एक है हमारा पोस्ट इन कॉर्पोरेशन ठीक है ध्यान से और एक हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स ताकि आपको मन भी समझ में आ जाए देखो ध्यान से देखो अभी कंपनी वॉज रजिस्टर्ड ऑन फर्स्ट जुलाई ठीक है तो अभी हम लोग गिनते हैं अप्रैल से लेके हम गिनेंगे अप्रैल मई और जून ठीक है जुलाई मत गिनना यही पे बच्चे गलती कर लेते हैं तो अप्रैल से लेके जून जुलाई फर्स्ट है इसलिए मैं जून तक गिन रहा हूं अप्रैल मई जून कितने मंथ्स हुए आपके थ्री मंथ्स हुए ठीक है यहां पे हम लोग डैश दे देंगे पोस्ट में एक्विजिशन के पहले या जो रजिस्ट्रेशन है उसके पहले के मंथ्स को हम प्री इनकॉर्पोरेशन मंथ्स कहते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद के मंथ्स को हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहते हैं तो अप्रैल टू जून यहां लिखा फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम लोग जुलाई टू मार्च क्या लिखेंगे जुलाई टू मार्च प्री में डैश लिखेंगे और जुलाई टू मार्च अगर काउंट करें तो आपके कितने मंथ्स होंगे नाइन मंथ्स होंगे अगर हम इसको रेशियो वाइज डिवाइड करें तो थ्री इस टू नाइन थ्री के टेबल में नाइन आता है थ्री वन जा थ्री 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 या नाइन तो आपका रेशो क्या बन गया आपका रेशो बन गया वन इज टू थ्री तो आपका टाइम रेशो का राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा वन इज टू थ्री देखो इट्स वेरी सिंपल लेकिन ये उन्हीं के लिए सिंपल है जिनको ये कैल्कुलेशन आता है वरना ये आपके पास वन इज टू टू वन इज टू थ्री वन इज टू फोर और वन इज टू फाइव बहुत सारे ऑप्शन है फिर हम इसमें से कुछ भी ऑप्शन को टिक मार्क कर लेते हैं जिसमें हमें फुल मार्क्स मिलने वाले थे उसमें हमको फिर जीरो मिल जाता है तो ध्यान से देखना टाइम रेशो मैंने कैसे कैलकुलेट किया था लेट अस मूव टूवर्ड्स द बैलेंस शीट तो दो पॉइंट्स है यहाँ पे एक है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स और एक है हमारा प्रपोज तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड कौन से हेड में ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ओन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन ध्यान से बोथ आर लाइबिलिटीज ठीक है बोथ आर लाइबिलिटीज तो ये कौन से हेड के अंदर ट्रांसफर होता है ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ट्रांसफर होता है तो ये आपको कुछ हेड्स भी याद रखने है. प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंट बेसिकली वी आर ट्रांसफरिंग दैट इन बैलेंस शीट अंडर विच हेड तो वी आर ट्रांसफरिंग अंडर दी शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंट को शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हेड में बैलेंस शीट में लिखते हैं तो so, इसका राइट right आंसर बन जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स नेक्स्ट पॉइंट आई होप इसका आपको अभी आंसर आना चाहिए मैंने अभी आपको इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था द शेयर्स ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड एस राइट शेयर्स बोनस शेयर्स प्रेफरेंशियल शेयर्स या प्रायोरिटी शेयर्स तो मैंने अभी आपको कहा था कि अगर एम्प्लॉइज को शेयर्स मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं स्वीट शेयर्स अगर हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं राइट शेयर्स और अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को शेयर्स देते हैं जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है उनको ही मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स लेकिन बोनस शेयर्स किसको मिलते हैं बोनस शेयर्स इज ऑलवेज इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ध्यान रखना बोनस शेयर्स हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है तो हमारा राइट right आंसर इसका बन जाएगा बोनस शेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है डिविडेंट इज यूजुअली पेड टू शेयर होल्डर्स एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल नेट प्रॉफिट ऑथोराइज कैपिटल या कॉल्ड अप कैपिटल देखो बहुत सारे टाइप्स के कैपिटल यहाँ पे दिए हुए हैं जो डिविडेंड पेमेंट करता है कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देता है और प्रेफरेंशेर होल्डर्स का बेसिकली डिविडेंड फिक्स रहता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जो रहता है दैट इज बीन डिसाइडेड बाई दी कंपनी तो

Depends on the uh, directors of the company or uh, depends on the board of the uh, board of the company. Ki how much percentage they are going to pay you dividend. So right answer for question number seven will be paid up capital. Next is from the chapter of redemption of preferences. So in you remember. Uh, इसमें एक कंसेप्ट होता है कॉल्ड एज सी आर आर ठीक है सी आर आर बोला तो पीपल से कैश रिजर्व रेशियो इकोनॉमिक्स का कैश रिजर्व रेशियो है हम अकाउंट्स में इसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं जो हम लोग रिडम्पशन के लिए क्रिएट करते हैं तो जो सी आर आर होता है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड इशू ऑफ़ राइट शेयर्स इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स या सेटिंग ऑफ अगेंस्ट लॉसेस तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो हम सी को पहले यूज कर सकते हैं तो ध्यान रखना सी जब हम क्रिएट करते हैं उसके बाद जब हम समझो बोनस इशू करते हैं एज पर द रेशो तो सी जो रहता है बोनस के प्रोविजन के लिए हम पहले उसको यूज कर सकते हैं तो सी विल बी यूटिलाइज फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर आई होप दिस एट एमसी क्यूज आर क्लियर टू यू और इसके जो भी कंसेप्ट आपको लगते हैं कि आपको लिख के रखने हैं ट्राई टू राइट इट इन यूर बुक सो दैट आप अपने एग्जाम के टाइम पे इसको रिवाइज करके जा सके ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो नेक्स्ट पॉइंट द रिडम्शन अमाउंट रिमेन अनपेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज शोन इन द बैलेंस शीट एस तो रिडम्शन में एक कंसेप्ट होता है कि नॉट ट्रेसेबल ठीक है नॉट ट्रेसेबल मतलब ऐसे कुछ शेयर होल्डर्स थे जिनको कंपनी ट्रेस नहीं कर पाया तो उनका जितना भी पेमेंट रहेगा वो अभी क्या बनेगा वो अभी आउटस्टैंडिंग बन जाएगा मतलब कंपनी को पेमेंट करना है ये पेमेंट कंपनी क्या कर देगा कंपनी अपने लाइबिलिटी साइड दिखाएगा ठीक है कंपनी कहां पर दिखाएगा ये पेमेंट लाइबिलिटी साइड मतलब ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन जैसे कि एक आद रीजन हम देखें कि कम, जो भी शेयर

दैट इज वाई इट इज शोन अंडर दी हेड करंट लाइबिलिटीज और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं ये भी एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस तो ध्यान से समझना अगर कैलकुलेश्स क्लियर होगा तो आंसर फिर आप सही से इसको मार्क कर पाएंगे तो क्या करना है हमको कैलकुलेट सी आर आर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन तो वी आर गिवन नाइन परसेंट प्रेफरेंशियल कैपिटल फोर लाख रुपीज वी आर गिवन वन फ्री रिजर्व दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व वन लैख फ्रेश इशू इज ऑल्सो गिवन टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू कैलकुलेट द सी आर आर तो हमको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए तो फार्मूला बहुत सिंपल है फॉर्मूला क्या है सीआरआर इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रिडम्शन क्या है फॉर्मूला सी आर आर इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रिडम्शन माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू क्या है फॉर्मूला बहुत ही सिंपल लिख के रखना ठीक है सी आर आर इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पन माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू फेस वैल्यू ऑफ रिडम्शन में हमेशा आपको याद रखना है प्रेफरेंस की वैल्यू लेनी है तो देखो यहाँ पे प्रेफरेंस की वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस की वैल्यू है चार लाख ठीक है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू में हमको इक्विटी शेयर या जो भी आपका फ्रेश इशू रहेगा उसकी वैल्यू लेनी है प्रीमियम वगैरह यहाँ लेना नहीं है तो फ्रेश इशू की वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पे फ्रेश इश्यू की वैल्यू कितनी दी है वन लाख दी है अगर हम फोर लैक्स में से वन लाख को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर थ्री लाख ओरली भी कर सकते थे कितना सिंपल है लेकिन सिंपल ये तभी है अगर आपको यह फॉर्मूला पता है वरना ये डिफिकल्ट है फिर आप इसमें से कुछ भी ऑप्शन मार्क कर लोगे और फिर गलत हो जाएगा तो राइट right आंसर क्या बनेगा आपका राइट right आंसर बनेगा आपका थ्री लैक्स आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर क्लियर टू यू तो हमने इसमें एमसीक्यूज में न्यूमरिकल भी ले लिए और नॉर्मल वाले टाइप पे भी एमसीक्यूज ले लिए इसी तरीके की सीरीज आपको मिलते रहेगी अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर